नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पत्नी को कब और क्यों पति के बाईं ओर होना चाहिए। दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। शास्त्रों में पत्नी को वामंगी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है बाएं अंग का अधिकारी। इसलिए पुरुष के शरीर का बाया हिस्सा स्त्री का माना जाता है। इसका कारण यह है कि भगवान शिव के बाएं अंग से स्त्री की उत्पत्ति हुई है, जिसका प्रतीक है शिव का अर्धनारीश्वर शरीर। यही कारण है कि हस्तरेखा विज्ञान की कुछ पुस्तकों में पुरुष के दाएं हाथ से पुरुष की और बाएं हाथ से स्त्री की स्थिति देखने की बात कही गई। इन कामों में पत्नी को पति के बाईं ओर रहना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्री पुरुष की वामांगी होती है, इसलिए सोते समय और सभा में सिंदूरदान, विरागमन, आशीर्वाद ग्रहण करते समय और भोजन के समय स्त्री पति के बाईं ओर रहना चाहिए। इससे शुभ फल की प्राप्ति होती। इन कामों में पति को बाईं ओर होना चाहिए। वामांगी होने के बावजूद भी कुछ कामों में स्त्री को दाईं ओर रहने के बाद शास्त्र कहता है। शास्त्रों में बताया गया है कि कन्यादान, विवाह, यज्ञ कर्म, जात कर्म, नामकरण और अन्न प्राशन के समय पत्नी को पति के दाईं ओर बैठना चाहिए। क्यों है यह मान्यता? पत्नी के पति के दाएं या बाएं बैठने संबंधी इस मान्यता के पीछे तर्क यह है कि जो कर्म संसारिक होते हैं उसमें पत्नी पति के बाईं ओर बैठती है, क्योंकि यह कर्म स्त्री प्रधान कर्म माने जाते हैं। यज्ञ, कन्यादान, विवाह, यह सभी काम पारलौकिक माने जाते हैं और इन्हें पुरुष प्रधान माना गया है। इसलिए इन कर्मों में पत्नी के दाईं ओर बैठने के नियम हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कृपया वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।